कुशहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विजय महतो ने एक प्रेस वार्ता में उन पर हुए हमले के विषय में जानकारी दी। विदित हो कि 19 जुलाई को बाबू खान नामक अपराधी ने उन पर जानलेवा हमला किया था। श्रीमान, आप पर 19 तारीख को बाबू खान ने आक्रमण किया, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बाबू खान इससे पहले भी मेरा पे आक्रमण किया था। 19 तारीख को हम टिकरा टोली गांव गए हुए थे और टिकरा टोली गांव से जब हम लौट रहे थे, वहां का लोगों का शिकायत था कि पिस्का स्टेशन में कोयला का डंप हो रहा है और उससे छाप किसान इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो आप लोगों भी, हम चाहेंगे कि हमारे जो रांची जिला के पदाधिकारी गण हैं वो पिस्का स्टेशन में आए और स्वयं इसका जांच करें। हम उस गांव से लौटने के बाद बाबू खान मेरे रास्ते पे रोक कर हम पर हमला किया और मुझे जान मारने का धमकी दिया। अब क्यों जान मारने का धमकी दिया, ये जांच का विषय है। मैं ना उनसे मेरा कभी किसी तरह का कोई लड़ाई था। बार बार मुझे क्यों मेरा पे आक्रमण करता है, ये जवाब तो बाबू खान ही देगा। बाबू खान को अरेस्टिंग करके उसे पूछा जाए कि मेरे पे बार बार क्यों मेरा पे आक्रमण करते आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता और मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए कि प्रशासन से हम मांग करते हैं कि बाबू खान को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और बाबू खान से पूछा जाए कि किसके इशारे पे मुझ पर हमला बार बार किया जाता है, वो मुझे जान से मारना क्यों चाहता है, ये तो बाबू खान ही बताएगा। धन्यवाद।